शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं, थोड़ी परीक्षा जरूर करते, तकलीफ जरूर आएगा, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं, उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए, आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं सकता। एक पत्र लिखा था, छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्कार। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द कहता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया, अब मैं क्या क्या हर बार ले जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपतिनाथ के व्रत रखा, उसने कहा मैंने एक बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, दो बार कर लिया, नहीं हुआ, उसने कहा तीसरी बार, मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत। शिवजी के मंदिर जाने लगा, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, उसके पांच सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिवजी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। प्रणाम का मेरा एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव को श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व को पहचान, लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं, नवयुवक बच्चे आते हैं और बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, हम उनसे कहेंगे, उन नवयुवक बच्चों से जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी हम उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करिए, हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा, जिस दिन आपने देव अधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया,